इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आठवीं सखी ने कहा, सखी देख, ये देखने में छोटे लगते हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या इनके चरण के रजम स्पर्श मात्र से हमारे कुल पुरोहित सतानंद जी महाराज की मैया अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ताड़का सुबाहु को मार दिए, भस्म कर दिए, मारीच को कहाँ फेंक दिए, लोग कथा बता रहे थे बुजुर्ग लोग। ये देखने में छोटे लगे हैं, अब जिनके चरण की रज में ऐसा प्रताप है, ये शिव जी के धनुष को तोड़े बिना रह सके हैं क्या? जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को बनाया है, उसी भगवान ब्रह्मा ने इस सांवले वाले को बनाया है। सखी, आठवीं सखी की बात सुनकर सब सखियां कहती हैं, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जो कह रही हो वही सत्य होए। लेकिन इनका दर्शन कैसे होगा? जा रहे हैं, स्वरूप दर्शन तो हो रहा है, मुखमंडल दर्शन नहीं हो रहा है। सखियां लाला को रिझाती हैं, देखो भैया ये है रामचरित्र, लाला का लीला चरित्र नहीं है, रामचरित्र मर्यादित है। कन्हैया का लीला चरित्र अरे अनेक गुणों से परिपूरित है, संपन्न है। सखियां मनाती हैं लेकिन भगवान देखे नहीं। धीय हर सही बर सही सुमन जाए जहां जह बन दो तह तह हृदय में हर्षित होती है माता। सखियां बहने पुष्प की वृष्टि करती हैं, जहां जहां दोनों भैया जाते हैं, आनंद नहीं परम आनंद, आनंद की सीमा नहीं, आनंद भी श्रेष्ठता को प्राप्त कर जाता है। तह तह परमानंद, ये आनंद क्या है? बढ़िया भोजन आनंद है, खूब नींद आ गई तो बड़ा आनंद है, है? गर्मी से आए, एसी चलता हुआ कमरा मिल गया, बड़ा आनंद है। जो चाहे भोजन मिल गया, बड़ा आनंद है। ये सब आनंद नहीं है, ये सब सुख है। आनंद एक बार आएगा तो लौट के नहीं जाएगा। हिंदी साहित्य में आनंद का विलोम शब्द नहीं, आया तो गया, ना गया वो टिक जाएगा। इसलिए भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, आगे बोलने नहीं, कहे बोलना, सीकर से पालन थोड़ी कराना है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के राशि मने खजाना है। राशि उसको कहते हैं जो लगी हो लेकिन आप उठा नहीं सकते। जो लोग गांव से होंगे उनको पता है, राश से आप निकाल नहीं सकते, उसमें गोबर डाला जाता है, जब तक घर नहीं चला जाएगा आप दे नहीं सकते। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी महाराज, है ना जी जी, लगा होता है गेहूं का, आप उसको उठा नहीं सकते। राश गाड़ी का वो पैसा जो बॉक्स में रखा जाता है वो राशि है, उसको आप यदि उठा के खर्चने लगे तो गाड़ी समाप्त हो जाएगी। गद्दी के पैसे से आप दान भी नहीं कर सकते। दान के लिए श्रीमान जी सेठ जी अलग से डिब्बा रखते हैं, वो दान वाला पैसा है। राशि माने जो आ गया वो जब अपनी जगह पहुंचेगा उसमें से जो निकाल दिया जाएगा वो खर्च हो। भगवान ऐसे सुख के खजाना है जिसको आप अकारण खर्च नहीं कर सकते, उसका व्यवहार होगा तभी खर्चा जाएगा। ये व्यवस्था है उस सुख के राशि, आनंद के समुद्र। समुद्र में कितना पानी है? समुद्र में कितना जल होगा कोई नाप है? 1000 लीटर, 1 करोड़, 1 संख लीटर, नहीं ना है?
अगाध है, अथाह है। भगवान क्या है? आनंद सिंधु, अर्थात आनंद कितना है? अथाह है, अगाध है। यही आनंद आ जाए तो बढ़िया, चाय मिल गया, बड़ा आनंद आ गया। ले चाय में आनंद आ गया, प्रसाद में आनंद आ गया, भोजन में आनंद आ गया, फिर गया गया। अच्छा, यदि थोड़े दिन यदि अनुकूल नहीं बैठा, अरे बड़ा दुख। ले अभी तो बड़े आनंद में थे, अब दुखी हो गए। आनंद आएगा तो दुख नहीं आने देगा, फिर तो वो दिन रात आह्लाद रहेगा, मगन रहेंगे, एक ही रस में रहेंगे, साहब रस बिगड़ेगा नहीं। माताएं सखियां देखकर आनंदित हो रही। जाए जहां जहां बंधु दुब तहां तहां पधरे मानम। मित्र लोग पूर्व दिशा ले गए, जहां यज्ञ स्थल था, भगवान को दर्शन कराया, यथा योग्य कौन कहां बैठेगा सब सुनाया बताया। विलंब हो रहा है, गुरु जी कहीं रुष्ट न हो, नाराज न हो, ऐसा मन में विचार करके भगवान शीघ्र चले। अब देखिए, हमारे सिर पर यदि कोई मालिक नहीं है तो हमारे जीवन में डर समाप्त हो जाएगा। कोई न मालिक हो तो भगवान को अपना मालिक मानना चाहिए। मुझे तूने मालिक, भगवान को अपना स्वामी मानकर भगवान से भी डरेंगे तो गलत कर्म नहीं होगा। जिसके परिवार में श्रेष्ठ न हो वो अपने भगवान को श्रेष्ठ मानकर भगवान से अनुमति ले लेकर व्यवहार करे। मेरे प्रभु डरते हैं, सृष्टि जिनसे डरती है वो भगवान आज गुरु जी से डर रहे हैं। पंक्ति का दर्शन करिए। लव निमेश मोह भुवन निकाया, रचय जा सु अनुशासन माया, भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकर साला। भक्तों को अर्थात अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए भगवान सब देख रहे हैं। कोई आपको अपना घर दिखाए, प्रतिष्ठान दिखाए, मंदिर दिखाए तो बड़े प्रेम से देखना चाहिए और उसके मन को अच्छा लगे इसके लिए प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा न विचार करे कि हमारा तो इससे भी अच्छा है, आपका अच्छा है लेकिन जो दिखा रहा उसके किस काम का, आप यहां हो उसकी प्रशंसा, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद, बहुत दिव्य, दिखाई नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान प्रशंसा करते हैं। गुरुदेव भगवान को अन्यथा लगेगा, विचार कर भगवान चल पड़े, चरणों में वंदन किए, क्या क्या देखा गुरु जी को सुनाए। और अब संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा मिली है तो भगवान ने संध्या वंदन किया। बयारू आरती भई, भोजन विश्राम, गुरुदेव विश्राम करने गए। मेरे प्रभु मुनिवर शयन किन्हि तप जाई, मुनिवर शयन किन्हि तप जाई, लगे चरण चापन दुहाई, लगे चरण चापन दुहाई, बार बार मुनिया दीनी, बार बार रघुबर जाई, रघुबर जाई शयन तब की, रघुबर जाई शयन तब की, रघुबर जाई की। गुरुदेव भगवान ने सेवा करते हुए प्रभु को आज्ञा दी, राम जी शयन करिए, रात बहुत हो गई है।
गुरु आज्ञा मानकर भगवान विश्राम में गए। लक्ष्मण जी अब भगवान श्री रघुनाथ जी की सेवा करने लगे। प्रभु ने कहा भैया आप भी विश्राम करिए। तो लक्ष्मण जी भगवान के श्री चरणों को हृदय पर पधराते हुए तो वही सो गए। उठे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी उठे। अरुण सिखा धुनी गुरु ते पहले ही जग प्रति अब जागे प्रातर विधि से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान पूजा करेंगे। शालग्राम सरकार नर्मदेश्वर जी की तदर्थ पुष्प दल बेल पत्र लेने प्रभु हमारे पुष्प वाटिका पधारे। श्री जनकराज की इस वाटिका का नाम है योग वाटिका। मानस में तीन वाटिकाओं का स्मरण है, जनक जी की योग वाटिका, सुग्रीव जी की उपयोग वाटिका और रावण जी महाराज की भोग वाटिका। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। योग वाटिका में सभी ऋतुओं के पक्षी उपस्थित हैं, सारे वृक्षों में फल लगे हैं, नवीन नवीन पत्ते हैं, झाड़ पुष्पित हैं, लताएं हरितिमा परिपूरित हैं। यह योग वाटिका है। मधुबन में दोनों प्रकार के भाव हैं, ऋतुओं के अनुसार वो बदलता रहता है वृक्षों का, लताओं का, झाड़ का स्वभाव। लेकिन अशोक वाटिका में जैसा महाराज है वैसे कर्म का फल है। श्री हनुमान जी चले उ नाय सिर पैठे उ बागा, अब फल खाए तो तरु क्यों तोड़ने लगे कि ये को फल खाने लायक नहीं थे। जिसको तोड़े कसैला कड़वा दिखाई पड़े, क्यों? जैसा रावण का कर्म था वैसे उसके कर्म के फल थे। आदमी के जीवन की झांकी ही उसका फल होती, जैसा उसने बनाया था। अब अशोक का फल तो आप जानते हैं ना, न खाने लायक होता न फेंकने लायक होता, गिरेगा तो गंदा और कर देगा। दर ओ रहता शोक सहित था, लेकिन नाम क्या रखा था? अशोक वाटिका। नाम से कोई शोक चला जाएगा? कर्म ठीक ना हो तो नामकरण कितना भी कर लेवे तो क्यों होवे। कर्म को व्यवहार के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। जब व्यवस्थित होंगे तो कर्म फल अच्छे होंगे। भगवान चतुर्दिक दर्शन किए, मालीगणों से पूछ करके और पुष्प दल बेलोपत्र उतारने लगे। इतने में जगत जननी पारंबा माँ भगवती सीता महारानी माँ भवानी जी की पूजा के लिए उस योग वाटिका में प्रवेश करने सखियों के संग में गीत गाते हुए गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन करी सर दिव्य सरोवर में माने स्नान किया, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग परुमाला, निज अनुरूप सुभग परुमाला, गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, सखी जयकार चलाओ सखी पूजिया, गौर
गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। सखियां बहुत साथ में रहती हैं तो इनका भी अपना अलग आनंद होता है, अलग माहौल होता है, अलग ही वातावरण होता है। सब सखियां तो सरोवर में स्नान की मैया के साथ और पूजा में चले गईं। एक सखी सखियों का संग छोड़ करके वाटिका दर्शनार्थ चली गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।